दोस्तों आज बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं जिसका साइज है 28x36, 28x36 फिट में ये हाउस प्लान किया है मैंने। और इस मॉडल की हमारी डिमांड की थी, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। इसमें मैंने कलर भी दिया है, आप देख पा रहे होंगे इस मॉडल ज़्यादातर मैं वाइट ही अपने घर के डिज़ाइन देता हूँ, लेकिन इसमें मैंने कलर भी दिए हैं। साथ साथ कार पार्किंग बहुत ही बड़ा स्पेस दिया है, इसमें आप दो कार पार्किंग कर सकते हैं अपनी आसानी से। और फ्रंट में वेंटिलेशन वगैरह का भी विशेष ध्यान रखा है, तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसमें रेलिंग वगैरह आप देख रहे होंगे, थोड़े से जो पिलर वगैरह हैं वो काफ़ी स्टाइलिश मैंने डिज़ाइन की है, जिसमें आपको किसी भी टाइप की व्यवस्था ना हो और आपका एक मॉडर्न हाउस बनकर रेडी हो जाए। तो इसी प्लान को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप पहले देख लें प्रॉपर तरीके से कहाँ पर क्या है, और फिर आपको मैं इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर डिस्कस करता हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। और दोस्तों यदि आप किसी भी टाइप का घर का नक्शा या डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी एक पेड सर्विस होती है, तो अगर आप पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमें डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट करें व्हाट्सअप पर। लेकिन वहाँ पर आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, और पेमेंट आप तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए, अन्यथा आप पेमेंट किसी व्यक्ति को ना करें। लेकिन आपको इसका विशेष ध्यान रखना होता है कि आप तभी कॉन्टेक्ट करें जब उस सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हों। अगर आपको केवल इंक्वायरी करनी है तो आप प्लीज़ मत कॉन्टेक्ट करें, इसका विशेष ध्यान रखें। वहाँ पर 50% पेमेंट में एडवांस लेता हूँ, तभी आपकी प्लानिंग स्टार्ट करता हूँ। तो चलो जो आज का प्लान है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा 28x36 में पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसका दोस्तों ग्राउंड फ्लोर है, ये स्लोप है जहाँ से अपने कार ले जाएंगे, ये स्टेयर से यहाँ चढ़ेंगे। इसके बाद आपको लगभग 6 फिट का स्पेस मिल जाता है, और ये पिलर का डिज़ाइन है दोस्तों, ये देखिए पिलर का डिज़ाइन है आपको जो। इसके बाद ये भी देखिए पिलर का डिज़ाइन है, एक मॉडर्न डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है पिलर का, ये देखिएगा। इसके बाद ये ग्लास का विंडो और डोर दोनों कंबाइंड मैंने दिया है, यहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे। ये गेस्ट रूम एक आपको दिख रहा है इसमें, और यहाँ पर मैंने साइड से भी एक विंडो दिया, इसे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि काफ़ी लगभग 20 फिट का स्पेस यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है, मैंने छोड़ा है। और इसके बाद अब आप यहाँ पर इस मेन गेट से एंट्री करते हैं, ये एक विंडो है, इस मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप आ जाते हैं अपने लिविंग हॉल में। इसी लिविंग हॉल से आपको सभी जगह जाने का रास्ता मैंने दे रखा है। सबसे पहले जो गेस्ट रूम था वो तो फ्रंट से भी था, लेकिन यहाँ से भी मैंने एक डोर दिया है जिससे आप यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉर्नर पर, मैंने एक दो बेडरूम दिए हैं, देखिए एक बेडरूम ये है एक ये है, और उसी के बीच में जो स्पेस है वहाँ से स्टेयर से चढ़ेगा और आप रिटर्न होकर वापस आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये आपका मैंने रखा है किचन, इसलिए किचन यहाँ रखा है क्योंकि बाहर से एक विंडो लग जाएगा तो वेंटिलेशन होता रहेगा आपके किचन में। और डोर भी मैंने यहाँ लिविंग हॉल से दिया, और फ्रंट में इसके यहाँ पर आपका लेट एंड बाथ कंबाइंड मैंने दिया है। तो यहाँ पर आपको 2-3 बेडरूम मिल जाते हैं, लेट बाथ कंबाइंड मिल जाता है, 2 कार पार्किंग का स्पेस, बारंदा टाइप का भी मिल जाता है फ्रंट में। तो यही पूरा डिज़ाइन बन के आपको रेडी हो जाता है 28x36 में। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो आप जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। अगर हम बात करें इसकी डिज़ाइनिंग की, हॉल वगैरह की, तो सेम टू सेम है, वही कॉर्नर पर दोनों आपको बेडरूम गेस्ट रूम वगैरह जो मिलता है। और यहाँ से आप बस आपका जो कार पार्किंग वाला स्पेस था ये आपका पूरा स्पेस ओपन होकर आ जाता है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ बेडरूम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और फ्रंट में आपको ये रेलिंग मैंने डिज़ाइन कर दिया है चारों तरफ, आप देखिएगा स्टाइलिश सा रेलिंग, और ये जो आपके पिलर थे वो भी, और ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग मैंने चेंज कर दिया, राउंड कलर का एक डिज़ाइनिंग दे दिया, इससे आपके घर के लुक को एक बहुत ही बेहतरीन मिलता है। और फ्रंट में ये जो रेलिंग आप देख रहे हो ये भी मैंने राउंड कलर का थोड़ा दिया है, साइड से तो आप बिल्कुल फ्लैट है लेकिन यहाँ पर राउंड कलर का मैंने दिया है, इससे आपके घर को एक बेहतरीन सा लुक लगे। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर बस आकर मैंने यहाँ पर पिलर दे दिए हैं, ये ग्लासेस का रेलिंग दे दिया है चारों तरफ, और चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री है, और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ऐसा ही सेम टू सेम बन जाता है। तो यही पूरा मॉडल क्रिएट होकर आपका आ जाता है 28x36 में। आपको मॉडल जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इसे शेयर किया करें। और मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल जो क्रिएट करवाना चाहते हो वही कॉन्टेक्ट करें। आप इंक्वायरी के लिए बिल्कुल मत कॉन्टेक्ट करें, बहुत से लोग होते हैं, आपका भी टाइम बर्बाद होता है, हमारा भी होता है। तो इसलिए अगर आप
और आप पेमेंट का मैं 50% एडवांस लेता हूँ, मैंने बता दिया है। आप इसके जब तक आप हमसे अगर बात हो जाती है तो इसके बाद आप बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं कि मेरा पेमेंट लेने के बाद काम होगा या नहीं होगा, तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। अगर मैं पेमेंट लूँगा, लेकिन पेमेंट आप तभी करें जब आपकी हमसे बात हो, अन्यथा अन्य व्यक्ति को ना करें, इसमें फ्रॉड का चांस हो सकता है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपकी हमसे अगर बात हो जाती है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, आपका काम होगा, 100% होगा, इसका आप टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दें। तो चलो इस प्लान को ही ब्रेक करेंगे। अगर आपका कोई भी प्लान है सजेस्टेड प्लान, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पेड सर्विस के लिए, या हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।